ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम हमारी योगिक चिकित्सा जो प्लेलिस्ट है उसमें एक और रोग के बारे में बताने जा रहे हैं। आज का रोग है संधिवात यानी कि अर्थराइटिस। मित्रों, अर्थराइटिस जो होता है ये क्या है पहले हम आपको बता दें। वायु कारक आहार विहार मतलब वायु कारक खान पान के कारण जब शरीर में कुपित हुआ यानी कि प्रकोपित हुआ जो बात है वो शरीर के अंगों में फैल जाता है और पीड़ा देता है, उसको हम संधिवात कहते हैं या अर्थराइटिस कहते हैं। अब इसके लक्षण क्या क्या हैं वो भी हम देख लें। लक्षणों में इसमें सबसे पहले जो आता है ये संधिवात कभी कभी एक अंग में होता है, कभी कभी पूरे शरीर में फैल जाता है तो पीड़ा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसके अलावा संधियों में मतलब जोड़ों में उठते बैठते चलते फिरते कभी कभी आप कुछ व्यायाम आदि करो तो कटकट की आवाज़ भी आती है, कटकट का स्वर सुनाई देता है। उसके अलावा कब्ज रहती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, पेट साफ नहीं होता है और जब इसमें कोई तेल आदि की मालिश की जाए तो इससे आराम मिलता है और कभी कभी पसीना जब आता है तो इसमें पीड़ा बढ़ जाती है कि पसीना आता है तो उसमें हवा लेते हैं तो उसमें जोड़ों का दर्द और अधिक बढ़ जाता है। तो ये इसके लक्षण हो गए। अब इसके हम कारण बता दें। कारण में सबसे बड़ा कारण है मित्रों बासी, और कभी कभी तो ऐसा होता है कुछ लोगों की आदत होती है फेंकते ही नहीं है, बस कुछ भी खा लेते हैं तो बासा होता है, साथ में सूखा भी होता है, रूखा भी होता है। ऐसा भोजन करने से संधियों को बहुत पीड़ा होती है और मतलब ये वात जो बढ़ता है उससे विकृत होता है। उसके अलावा अधिक दवाइयाँ खाते हैं, कुछ लोगों की रोग में कुछ भी रोग होता है दवाइयाँ खाते रहते हैं, जब ये दवाइयाँ खाते हैं तो इनसे कब्ज हो जाती है और कब्ज के कारण कई बार समस्या बढ़ जाती है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत सारा व्यायाम करते हैं, मतलब शरीर की क्षमता से अधिक व्यायाम कर लेते हैं और कई बार उस व्यायाम की वजह से उनके शरीर में लुब्रिकेंट की जो कमी हो जाती है यानी कि जो उसके कारण भी अर्थराइटिस हो जाता है। उसके बाद कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा जागरण करते हैं, मतलब दिन में थोड़ा बहुत सोएंगे, रात को पूरी रात जागेंगे और फिर कभी कभी कुछ कहते हैं हमारा काम ऐसा कुछ, सबकी अपने अपने बात होती है। मेरे पास मित्रों एक पेशेंट आई थी, उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था। उसका तरीका था वो सुबह 4-5 बजे जाके सोती थी और दिन में फिर करीब 2 बजे उठती थी। आप सोचिए रात को दिन, दिन को रात बना दिया। उस कुछ शायद सिंगर थे तो उसके कारण उसको ब्रेन ट्यूमर हो गया, क्योंकि रात भर जागना और दिन भर सोना आपने दिनचर्या ही अलग कर दी तो फिर समस्या तो होनी ही है। अब ये सारी चीजें ऐसे होती हैं। उसके अलावा बहुत सारा आप कोई संभोग करता है जिसकी अति नहीं होती है, ऐसे संभोग के कारण भी ये समस्या खड़ी हो जाती है। अब उनको नहीं लगता कि हम अति करें पर वो अति हो जाती है। उसके अलावा चिंता भय और कभी कभी तो जो मन में जो शोक होता है, जो मतलब कुछ कोई चला गया कोई छोड़ गया, इसके जो शोक के कारण भी कुछ लोग इसके रोगी हो जाते हैं। तो इसके कुछ सामान्य कारण जो हमने आपको बताए, वो आपको बता दें इसकी योगिक चिकित्सा कैसे कर सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम आसन आपको बता दें। आसन में आपको क्या क्या कर सकते हैं आप, वृश्चिकासन, शीर्षासन, वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, कंदपीठासन और सर्वांगासन, उत्कटासन, उसके अलावा मरकटासन। और मुद्रा में विशेष आपको इसके लिए बता दें, मुद्रा आप जो करेंगे ये है वायु मुद्रा। वायु मुद्रा हमारी प्लेलिस्ट मुद्रा में मिल जाएगी और आसन हमारे प्लेलिस्ट आसन में मिल जाएंगे, ये है वायु मुद्रा। ये आपको इसके साथ करेंगे तो आपको बहुत जल्दी लाभ होगा। वायु मुद्रा आप कैसे लगानी है विस्तार से बताया वहाँ पे हमने। उसके अलावा आप जो कर सकते हैं प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम में आप सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हैं, लेकिन ध्यान दें यदि आपके शरीर में गर्मी बढ़ी हुई, आपने दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खाई हैं तो सूर्य भेदी प्राणायाम ना करें। आप सीधा अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, भस्त्रिका करें, भ्रामरी करें, उद्गीत करें। ये प्राणायाम हमारी प्लेलिस्ट सब कुशल है में मिल जाएंगे आपको, आप सब कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो करना है वो सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार आप कितनी स्थिति से कर सकते हैं उस अनुसार आप उसे कर सकते हैं। उसके अलावा आप आयुर्वेदिक चिकित्सा पे आ जाते हैं। आयुर्वेदिक चिकित्सा में आप क्या क्या ले सकते हैं, मित्रों सबसे पहले आपको घी और दूध का सेवन करना है। आप बोलेंगे हमारा वजन बढ़ा हुआ है, हम और वजन कैसे बढ़ाएं। मित्रों अभी तक आप जो वजन बढ़ा है वो घी खा के नहीं बढ़ा है, बिना घी खाए बढ़ा है। तो आप एक काम करिए, एक ग्लास दूध लीजिए, ये नहीं ये ग्लास दूध लीजिए, करीब 250 ml जितना दूध लीजिए, उसमें 2 से 3 चम्मच आप कम से कम 10 से 20 ml आप गाय का देसी घी डाल लीजिए, उसमें चुटकी भर हल्दी और आधी चम्मच अश्वगंधा का चूर्ण और आधी चम्मच शतावर का चूर्ण। ये प्रयोग हमने बहुत से लोगों पर किया और हमारा ये इलाज अक्सर जाता है, मतलब सब पे सफल होता है। और इसमें गैस हो तो कफ वालों को ज़्यादा समस्या होती नहीं है, तो अर्थराइटिस की समस्या कफ जिनका विकृत हो उनको समस्या हो सकती है पर कफ की अधिकतर में समस्या नहीं होती है। तो आप ये दूध और घी का प्रयोग करें, ये आपको बहुत अच्छा इलाज देगा। उसके साथ ही आप और क्या क्या कर सकते हैं, आप सौंठ और हरड़ और अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, इसको संभाग मिला लीजिए। और इसकी आप फांकी ले सकते हैं, कितनी लेनी है ये आप चूर्ण ले लीजिए इसका, तो इसकी आप फांकी मार सकते हैं।
सुबह भी ले सकते हैं, शाम को ले सकते हैं, दो बार ले लीजिए। उसके बाद अरंडी का जो पत्ता आता है ना, अरंडी का जो पेड़ आता है ना, उसके जड़ की काढ़ा आपको पीना है। यदि मिल जाए जड़ तो, वैसे बहुत होता है पर जड़ निकालना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए नहीं हो पाता है, तो फिर भी हो जाए तो कर सकते हैं आप। उसके अलावा जहां पीड़ा हो रही है वहां तेल की मालिश करें, वहां कोई भी पीड़ांतक तेल आदि होते हैं उनसे मालिश कर सकते हैं, या कुछ नहीं मिले तो सामान्य सरसों के तेल से आप मालिश कर लीजिए, वो भी आपको काफी लाभ देगा। उसके अलावा पारिजात के पत्ते होते हैं, पारिजात एक फूल होता है, उसके पत्ते होते हैं, पारिजात काफी फेमस है, उसके पत्ते ले लीजिए और उसका काढ़ा बनाकर भी आप पी सकते हैं। काढ़ा कैसे बनाना है, 4-5 पत्ते ले लीजिए, उसको 2 ग्लास पानी में उबालिए, आधा ग्लास रह जाए तो आप पानी वो पी सकते हैं। अब का ये जो आपको हमने बताया, पारिजात के पत्ते यदि आपको गर्म पड़ रहे हैं तो आपका पारिजात के पत्ते ना लें, सबसे सही इलाज फिर आपके लिए दूध और घी, और वही बन होता है कि इससे कभी भी हानि नहीं होती है। अच्छा, इसके अलावा हम आपको प्राकृतिक चिकित्सा और बता दें कि आप क्या क्या कर सकते हैं। मित्रों, आपकी जिस अंग में पीड़ा है, सर के ऊपर यदि आप गीला कपड़ा रख लेते हैं, उसके अलावा बाकी पूरे अंगों में आप धूप सेकते हैं, जहां जहां आर्थराइटिस है पूरे शरीर में सेक लीजिए, सुबह की धूप चुभे ना उससे पहले की, और शाम की 5 बजे के बाद की धूप यदि आप सेकते हैं तो ये आपके जोड़ों के दर्द पे, आपके संधिवात पे बहुत अच्छा काम करता है और आपको इसका परिणाम बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। उसके साथ ही यदि जहाँ हाँ और तेल लगा के भी मालिश आप कर सकते, मालिश करके भी आप धूप सेक सकते हैं, उसमें भी समस्या नहीं होती है, पर इसमें समस्या कुछ महिलाओं को आ जाती है कि इससे थोड़ी स्किन काली हो जाती है, अर्थात धूप के कारण काली हो जाती है। तो आप शरीर पहले स्वस्थ होना चाहिए, गोरा काला होना चाहिए, आप उसको जरा देख लीजिएगा। उसके बाद जहाँ पीड़ा हो रही हो वहां सुबह शाम गर्म पानी का आप धार भी दे सकते हैं। इसके बाद धार देने के बाद यदि आपको पसीना आता है तो कृपया पंखे के नीचे ना जाएं, उसको सुखाएं, और उसके बाद जब पसीना आना बंद हो जाए तभी आप पंखे के नीचे जाएं, तो इतना आप ध्यान रखें। उसके अलावा आपको कुछ उचित व्यायाम जो हमने बताए हैं, जो व्यायाम है हमारी, बहुत सारे व्यायाम हमने बताए हैं, ये तो ये जो हमारे विद्यार्थी उनके लिए नहीं है, पर व्यायाम उनके लिए है जो हमारे चैनल अलग से देखते हैं, तो वहाँ फालन चलन व्यायाम में हमारे देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। और कोई समस्या तो प्रश्न वीडियो पर करिए या इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी प्रश्न करें। धन्यवाद। वंदे मातरम।